बिना सोचे समझे चुनाव के 2 महीना पहले मुझसे कहा गया कि आप लिख के दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम कहा ये तो तानाशाही है, आपको करना था तो पहले बात करना चाहिए था। मैं आज कांग्रेस में उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के। रांची सीट को लेकर क्या स्थिति है, क्या सुबोध जी इस बार मैदान में होंगे या राम टहल चौधरी जी होंगे मैदान? हम उम्मीद करते हैं सबसे पहली सीट का जो ऐलान होगा वो रांची का होगा। जाड़े के दिन में मैं गंजी पहन के घूमते थे, अब आम आदमी को भी लगता था कि बहुत कष्ट में हैं, और उस हालत में भी उन्होंने देश का दौरा करते रहे। झारखंड में भी 5 दिनों तक इन्होंने दौरा किया, इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। रामटाल जी, ये 3-4 दिन पहले ऐसे गुलदस्ता उलदस्ता लेके पप्पू यादव भी ज्वाइन करके यहाँ गए, और वो भी विचारधारा से ही प्रेरित थे, वो भी टिकट नहीं मांग रहे थे। आजकल कह रहे हैं मर जाऊंगा पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा टिकट दो, तो आपने बातचीत पूरी कर ली है? पप्पू यादव की तरह तो नहीं होने वाला? जो अच्छे कामों के प्रति मैं उसको अच्छे काम का आदर करता हूँ, और कहीं तानाशाही होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। कहीं कहीं देखते हैं घर में भी लोकतंत्र नहीं है तो देश में लोकतंत्र क्या रहेगा। मैं आज कांग्रेस में इनकी नीतियों से प्रभावित होकर के, और हमने जैसा बताया गया 5 बार सांसद रहे, और बिना सोचे समझे चुनाव के 2 महीना पहले मुझसे कहा गया कि आप लिख के दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम कहा ये तो तानाशाही है, आपको करना था तो पहले बात करना चाहिए था। तो उसी समय हमने रिजाइन किया पार्टी से और फिर चुनाव भी लड़ा। तो हमारे यहाँ शुरू से पूरे देश का दौरा जो राहुल जी का दौरा हुआ, हमारे यहाँ झारखंड में भी 5 दिनों तक उनका दौरा हुआ, उस समय काफ़ी प्रभावित रहा। और भारत जोड़ो आंदोलन उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की। जाड़े के दिन में वे गंजी पहन के घूमते थे, अब आम आदमी को भी लगता था कि बहुत कष्ट में हैं, और उस हालत में भी उन्होंने देश का दौरा करते रहे। झारखंड में भी 5 दिनों तक इन्होंने दौरा किया, इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और इन्होंने साथ साथ ये बातें जो बराबर बोलते रहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी जितनी जिसकी हाँ उनकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा था। और जातीय जनगणना जो आवश्यक है, और जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक उसका हिस्सेदारी पता नहीं चलेगा। तो इस पर इन्होंने जो कि देश की आम जनता है ये चाहती है कि हाँ जातीय जनगणना हो, और इस मुद्दे को बराबर उठाते रहें और चाहते भी हैं, इससे मैं प्रभावित हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, खास के खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और साथ साथ अभी जो मंच पर बैठे हुए हैं और जिनकी बहुत बड़ी पार्टी में प्रवेश करने के लिए जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उसमें अपने अपने श्री राजेश ठाकुर जी जो अध्यक्ष हैं, मोहम्मद आलमगीर आलम साहब और मीर साहब भारत पहले कहा कि बहुत ही इनसे जब हमको बातें हुई पहली बार तो मैं इनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। ऐसी ही नेता होनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं से किस तरह से बात कर जाए, और सही बातों को इन्होंने अपने सही अच्छी बातों से अवगत करवाया। और बंधु तिर्की जी का, सुबोध कांत जी का, और अपने
शाहजादा अनवर जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो अच्छे कामों के प्रति मैं उसको अच्छे काम का आदर करता हूं और कहीं तानाशाही होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। कहीं कहीं देखते हैं घर में भी लोकतंत्र नहीं है तो देश में लोकतंत्र क्या रहेगा। तो ये स्थिति अभी है जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। तो मैं तमाम नेताओं का और फिर जो इंडिया से जुड़े हुए जितने नेतागण हैं मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने यह अवसर दिया कि मैं इंडिया के अंतर्गत रहकर और इंडिया कैसे आगे बढ़े उस पर प्रयास करूंगा। धन्यवाद राम टहल जी। आपके कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए क्योंकि उसके बाद अब एक और बैठक में रांची की सीट को होल्ड पे डाल दिया गया। अब राम टहल चौधरी जी भी आ गए और सुबोध जी भी बैठे हैं। आपके अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने कहा है कि दो बार वो जीते दो बार ये, तो अब रांची सीट को लेकर क्या स्थिति है? क्या सुबोध जी इस बार मैदान में होंगे या राम टहल चौधरी जी होंगे मैदान? कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा और मजबूत सशक्त तो उम्मीदवार होगा। जैसे आपको बताया गया कि रांची पहले भी मजबूत रही है, चुनाव आते हैं, हारते भी हैं, जीतते हैं, मगर रांची तो एक कलेक्टिव कल्चर का एक सिंबल है। तो वहाँ एक कोई शक्ल सूरत नहीं है, सारे लोग वहाँ बसते हैं, तो इसलिए उसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अब जब चूंकि एक और एडिशन हुआ राम टहल चौधरी का, जिनका मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेरे ख्याल से ये दोनों और पूरा पार्टी का संगठन वहाँ डट के चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी का मजबूत उम्मीदवार मैदान में होगा और हम उम्मीद करते हैं सबसे पहली सीट का जो ऐलान होगा वो रांची का होगा। नहीं, ये जो इन्होंने भी बताई थी रोकने की बात तो कहीं नहीं है। हमारे यहाँ जो सीटें कांग्रेस को मिली है और जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इतना प्रोलॉन्ग शेड्यूल दिया है 7 फेजेस का, तो पहला फेज तो अभी 2 दिन पहले नॉमिनेशन कंप्लीट हुआ, लास्ट फेज 4 जून को वोटिंग है। तो इसलिए हमने भी अपनी सीटों का फैसला फर्स्ट सेकंड थर्ड में, हमारे यहाँ कोई चुनाव नहीं, फोर्थ फिफ्थ में जो सीटें आ रही थी उनका अनाउंसमेंट हो गया, सिक्स्थ और सेवन में जो हमारी सीटें पड़ रही वो आप आने वाले 2-3 दिन में देखेंगे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई होल्ड है या कोई रोका गया या टोका गया, रूटीन वे में अपना काम चल। बहुत अच्छी बात है आपकी। देखो, सारे लोग, अभी आपने राम टहल चौधरी जी को सुना, कहीं उन्होंने ये कहा है कि मैं उधर छोड़ के आ रहा हूँ कोई चीज़ तो यहाँ आ रहा हूँ कुछ लेने के लिए? उन्होंने तो एक आइडियोलॉजी को लेकर, एक कंसेप्ट को लेकर, एक प्रोग्राम को लेकर अपने आप को वहाँ छोड़ कर के यहाँ एक मिशन के साथ जोड़ने की बात रखी। तो इस तरह से जो भी मिशन में जुड़ने के लिए तैयार है, जो राहुल गांधी जी का एजेंडा है, 5 न्याय है जिसमें कम्प्लीटली एक्सप्लेन हर एक चीज़ है, अगर उन सारी गारंटीज़ को, जिसको हम कांग्रेस की गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी कह रहे हैं, अगर वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को मतलब अपनी ओर खींचता है, तो हमें दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए। वो चाहे किसी उम्र का हो, किसी एरिया का हो, और फिर अगर अंदर आने के बाद किसी का मतलब मेरिट भी बनता हो, लोग चाहते हो, तो उसको हम ये कहकर नहीं रोक सकते हैं कि ये कल आया है। चुनावी राजनीति में जनता फैसला करती है और अगर जनता किसी को चाहता है तो ये कहीं अड़चन नहीं। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट का भी परमिशन होगा? मैं उसी का तो जवाब दे चुका हूँ। आप लेट आए, आपने बाद में सुना। जिनको टिकट आप देंगे कि नहीं देंगे? लेट आए ना, जवाब दे चुके हैं, जवाब उसका आ चुका है। हाँ पूछिए। रामटाल जी, ये 3-4 दिन पहले ऐसे गुलदस्ता उलदस्ता लेके पप्पू यादव भी ज्वाइन करके यहाँ गए और वो भी विचारधारा से ही प्रेरित थे, वो भी टिकट नहीं मांग रहे थे। आजकल कह रहे हैं मर जाऊंगा पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, टिकट दो। तो आपने बातचीत पूरी कर ली है,
पप्पू यादव की तरह तो नहीं होने वाला? नहीं नहीं, पप्पू यादव का सवाल नहीं, पप्पू यादव और हम में कोई आसमान जमीन का अंतर, उनका सोच और मेरा सोच। धन्यवाद।